सो हैलो एवरी वन वी आर बैक विद चैप्टर नंबर एट ऑफ क्लास सेवेंथ नेम्ड एज विन्द स्ट्रोम्स एंड साइक्लोम सबसे पहले हम आपको बता दें कि वॉट इज विंड मूविंग एयर इज सिंपली योर विन एज पर योर एन सी आर टी अब बात करते हैं टॉपिक की बेस्ड ऑन योर एन सी आर टी दैट इज़ एयर एग्जर्ट्स प्रेसर सिंपल इसका ये कहना है इस टॉपिक का कि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है राइट प्रेशर इज़ व्हाट लाइक प्रेशर मैं इस पेन को ये पेन चल रहा है राइट right? अब ये पेन तब तक चलता रहेगा जब मैं इस पर प्रेशर ना लगाऊँ अपनी फिंगर का जब मैंने इस पर प्रेशर लगाया तो ये रुक गया दैट्स कॉल सिंपल प्रेशर ठीक है तो एयर भी कुछ ऐसा ही प्रेशर लगाती है ऑन द सराउंडिंग्स इवन आप पर भी वो एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके एजेंसी एन सी आर टी में ही है लेट्स स्टडी। बॉइल वाटर अंडर द फ्लेम इन द टिन कैन पानी को उबालो एक मेटलिक टिन कैन के अंदर लेट वाटर बॉयल नाउ पोर कोल्ड ऑन द कैन पो, सॉरी नाउ पोर कोल्ड वाटर ऑन योर कैन ठीक है सिंपली ये ये कहना चाहते हैं कि एक कैन के अंदर पानी उबालो एंड देन उसके ऊपर सडन एक ठंडा पानी डाल दो राइट right? उससे होता क्या है कैंस शेप विल चेंज ड्यू टू एयर प्रेशर सिंपली ये बोल रहे हैं जो कैन की शेप है वो चेंज हो जाएगी किसकी वजह से एयर प्रेशर की वजह से अब एयर प्रेशर में ऐसा क्या चेंज आया कि जो कैन है उसका शेप ही चेंज हो गया ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ठीक है अभी हम हाँ क्या कर रहे थे बॉईल कर रहे थे वाटर को कैन के अंदर तो कैन के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका होगा और सडन हमने उस पर ठंडा जब पानी डाला था इस सेंटेंस के अंदर जब बात कर रहे थे ठंडा पानी जैसी डाला उसका टेम्परेचर भी चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज यानी फॉल्ट इन टेम्परेचर अब जैसे ही टेम्परेचर गिरा वो भी सडन तो कैन के अंदर का जो प्रेशर था वो गिर गया और जैसे ही वो गिरा कैन का शेप भी चेंज हो गया अब इसका दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है जैसे कि प्लास्टिक बोतल के साथ बाइसिकल ट्यूब वगैरह ठीक है अब इसका जो रीज़न है कैन वाले केस का उसका रीजन भी दे रखा है सम स्टीम इनसाइड कैन विल कंडेंस इन वाटर मेकिंग लेस अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड बॉइल करते टाइम जो स्टीम कैन के अंदर बनी थी वो कंडेंस हो जाएगी क्योंकि हमने उस पर ठंडा पॉइंट डाला राइट right? टेम्परेचर के फॉल डाउन की वजह से जब वो कंडेंस होगा तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर था कैन के अंदर वो कम हो जाएगा राइट right? तो प्रेशर गिर गया प्रेशर डाउन प्रेशर गया नीचे और उसी प्रेशर की वजह से जो आउटर सरफेस का एर, एरिया है आउटर सरफेस एयर है उसका प्रेशर उस कैन को क्रश कर देगा राइट right? कहने का मेरा सिंपल मतलब यह है, है अगर ये एक कैन है राइट इफ़ दिस इज अ कैन और इसके अंदर हम सपोज ये एक कैंडल है ड्राइंग पे ना जाए जस्ट कंसेप्ट को समझना ठीक है अब यहाँ पे इसके अंदर तो प्रेशर जो है एयर प्रेशर वो कम जा रहा है लेकिन बाहर का जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है राइट right? वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो बाहर वाला इसको क्या करेगा क्रश कर देगा सिंपल आई होप यू अंडरस्टूड हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन बाय रिड्यूज एयर प्रेशर इस सेंटेंस का सिंपल मतलब है जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं जो विंड्स बहुत ज़्यादा स्पीड अकम्पेन कर रखी होती हैं उनका जो प्रेशर होता है बहुत लो होता है कहने का मतलब वाइस वर्षा कह सकते हैं हाई स्पीड लाइक हाई स्पीड वॉय से वर्षा लो एयर प्रेशर सिंपल राइट अगर एयर प्रेशर कम होगा तो विंड की स्पीड बढ़ सकती है दैट्स सिंपल नथिंग मोर देन दैट ओके अब बात करते हैं एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन इस पॉइंट को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ठीक है आपको आगे चल के जो साइक्लोन्स हैं टर्नेडो हैं और और भी जो जो टॉपिक्स हैं उनमें ये काफ़ी हेल्प करने वाला है राइट सिंपल मैं दोबारा बताता हूँ एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन ठीक है मैं एग्जांपल से समझाता हूँ वाटर के आपके पास दो वाटर वाटर बॉटल्स हैं राइट आपको ने उनको नीचे की साइड से एक पाइप से कनेक्ट कर रखा है राइट right? और एक बोतल हाफ फिल्ड है और दूसरी बोतल फुल फिल्ड है तो आप समझ सकते हो जो फुल फिल्ड वाला वाटर है वो हाफ फिल्ड बोतल के अंदर तब तक जाएगा जब तक जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बैलेंस ना हो जाए कहने का मतलब दोनों बॉटल्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ना आ जाए तो सेम केस या हवा के साथ भी होता है ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं सेम इसी चीज के लेकर टॉपिक है और उसी का एग्जांपल राइट right? जो टिन रूफ्स होती हैं मे ब्लो अवे इफ़ दे आर वीक अगर वो वीक हैं कहने का मतलब या फिर उनका वेट काफ़ी कम है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं लाइक मुड़ जाएँ वगैरह वगैरह तो वो ब्रेक कर सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं है, एम आई Understandable to टू guys, राइट right? आपने देखा भी होगा स्लम एरियाज में काफ़ी सारे घर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टिन्स रखी होती हैं ठीक है ठीके? और उनका वेट लिटरली काफ़ी ज़्यादा होता है इसीलिए क्योंकि वो उड़ ना जाए कहीं इसलिए उनका वेट भी ज़्यादा होता है ठीक है अब इसका एक और एग्जाम्पल है फोर्सिंग पेपर बॉल inside बॉटल ठीक है आपका इन्साइटी एग्जाम्पल है उस को लाइक एक पिक्चर में मैं दिखाता हूँ लेट्स लुक एट दैट अब बात करते हैं हॉट एयर ये कंसेप्ट है सो so प्लीज अच्छे से देखें इसे राइट हॉट एयर एंड हाई स्पीड सिंपली इंक्रीज प्रेशर ठीक है और वहीं जब प्रेशर गिर जाता है तो सिंपल वो कोल्ड एयर और लो प्रेशर का रिजल्ट करता है मेरा अगेन मैं तुम तो आपको अच्छे से समझाऊं अगर कहीं हॉट एयर है अगर कहीं हॉट एयर है तो उस एयर का प्रेशर वो कैसा होगा ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं अगर किसी आ, विंड का स्पीड एयर की स्पीड ज़्यादा है या फिर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा होगा एम आई राइट और सिंपल अगर प्रेशर कम है तो एयर कैसी हो जाएगी कोल्ड ठंडी हो जाएगी और उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी लो हो जाएगी राइट right? अब बात करते हैं इसके पे एग्जाम्पल आई थिंक ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड एंड कैप्चर्स मोर स्पेस वार्म एयर इज लाइटर कोल्ड एयर इज हैवियर कहने का मतलब जब हीट करोगे एयर को तो वो एक्सपैंड हो जाएगी कहने का मतलब जब हीट नहीं करी थी तब उसका अमाउंट इतना था लेकिन आपने जब उसे हीट करा तो वो बढ़ के इतना हो गया एम आर राइट और उसने इतने की जगह इतना स्पेस घेरा लेकिन उसका वॉल्यूम तो इतना ही था लेकिन उसमें स्पेस ज़्यादा घेरा I I hope I can make you guys understand these things, these concepts, right? तो simple यहाँ पे जो warm air होगी वो lighter होगी as compared to cold air, right? अब बात करते हैं ड्यू टू दिस स्मोक गोज अप अब जो स्मोक होता है किसी भी टाइप का धुआं जो होता है वो ऊपर जाता है वो ऊपर जाता है राइट right? वो ऊपर जाता है लाइक सिगरेट लोग पीते हैं उसका धुआं ऊपर जाता है या फिर फरनेंस uh, में जो आग जलती है उसमें से धुआं जो निकलता है उसका भी जो धुआं है या फिर स्मोक है वो ऊपर ही जाता है इन द अपर डायरेक्शन राइट गाइस ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज अब हम बात करेंगे अन ईवन हीटिंग ऑन अर्थ अब बात चलेगी पूरे अर्थ के लेवल पे राइट right? यही एयर प्रेशर और ग्रेडियंट को लेकर इसके अंदर आप अलग अलग चीजें भी पढ़ोगे राइट right? अब बात करते हैं बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स पोल के अंदर सॉरी पोल्स और इक्वेटर के बीच का जो रीजन है यहां पे क्या चल रहा है लेट स्टडी इक्वेटर गेट्स मोर हीट फ्रॉम सन भाई इक्वेटर जो है अर्थ का इक्वेटर मी शो यू ड्राइव ठीक है सिंपल ये जो रीजन है ठीक है ये आपका इक्वेटर है एम आ राइट और ये जो पोल्स हैं ये 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 आई एम सॉरी ये जो रीजंस हैं ये आपके पोल हैं ये आपके आपके ये पोल्स हैं राइट अब सन से जो हीट मिलेगी वो इक्वेटर रीजंस को ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू पोल्स ठीक है जो कि रीजन उस रीजन को वार्म बनाएगी भाई हीट ज़्यादा मिली इक्वेटर रीजन को तो वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा हुई अब वार्म एयर गोज आप पहले बताया था जो गर्म हवा होती है वो वो कहाँ जाती है वो जाती है ऊपर वो कहाँ जाती है वो जाती है ऊपर अब पोल्स में जो एयर है वो होती है कोल्ड सो रश करती हैं इक्वेटर की तरफ जो यहाँ की एयर है वो रश करती हैं थर्टी डिग्री के एंगल पर to get the space of the equator understood cold winds from south from south to north to north and vice versa goes to equator with the bent angle of 60 degree कहने का मतलब जो हवाएं नॉर्थ या फिर साउथ सॉरी साउथ या फिर नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जाती हैं या फिर कहें वाइसे वर्चा वो 60 डिग्री के एंगल पे जाती हैं उसके तरफ राइट right? अब देखो तो ये एंगल बनते क्यों हैं ड्यू टू अर्थ रोटेशन क्योंकि गाइज अर्थ रोटेट भी तो कर रही है ना रायर है ना अर्थ रोटेट भी तो कर रही है इसी वजह से जो स्पीड्स ऑफ विंड या फिर एंगल्स ऑफ विंड है वो थर्टी डिग्री है या फिर सिक्सटी डिग्री है आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अन ईवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर अब बात करते हैं इक्वेटर वॉर्म्स फास्टर दैन वाटर ऑफ ओशन जो इक्वेटर का लैंड है वो काफ़ी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है अगर कंपेयर करें इसे ओशन के वाटर से राइट अब कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन साइड टेक प्लेस ऑफ दैट इक्वेटर प्लेस या वही सेम चीज जो ऊपर मैंने आपको बताई थी सेम वही चीज़ है ये ठीक है और हां इक्वेटर की जो वार्म एयर है वो कहाँ जाती है आप बताओगे और इसी कंडीशन को मॉनसून विंड्स कहते हैं कोल्ड एयर फ्रॉम ओशियन ओशियन से लैंड की तरफ जो विंड्स आती हैं उन्हें मॉनसून विंड्स कहा जाता है एम एस राइट और दूसरा एग्जांपल इन विंटर डायरेक्शन इज रिवर्स्ड सर्दियों के अंदर ये जो डायरेक्शन था ओशन टू अर्थ लैंड ये उल्टा हो जाता है सर्दियों में लैंड टू ओशियन चला जाता है राइट right? अब मॉनसून वेंस कैरी वॉटर एंड रेन्स भाई मॉनसून विंड्स के साथ पानी भी आता है और बारिश भी आती है जो कि फॉर्मर्स के लिए बहुत अच्छी होती है ओके okay. अब बात करेंगे भाई हम थंडर स्टॉम्स की एंड साइक्लोन्स की बहुत बड़े बड़े फिनोमिना जो काफी डेंजरस भी हो सकते हैं मीन्स होते हैं यार ठीक है हाँ बात कर रहे थे थंडर की तो डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज ओके जहाँ की टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड अलॉन्ग विद वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ा हुआ टेम्परेचर ह्यूमिड है ह्यूमिड है हॉट है, है तो टेम्परेचर ऐसी है ज़्यादा ही होगा तो प्र, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है इन रीजन में प्रोड्यूस करता है स्ट्रोंग अपवर्ड राइजिंग विंड बाई टेम्परेचर बढ़ा तो हवा गर्म हवा गर्म हवा ऊपर के डायरेक्शन में जाती है राइट जब वो गर्म हो तो वो ऊपर जा रही है सिंपल एक एक चीज आपको समझाता चल रहा हूं बस आपको सुनने की जरूरत है और उस पर फोकस करो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे पूरा का पूरा चैप्टर राइज ऑफ विंड अलोंग विद वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ हवा भी ऊपर की तरफ उठती है कहा की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ राइट वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे ऊपर जाकर फ्रीज हो जाते हैं और वापस नीचे गिर जाते हैं ऊपर जाकर फ्रीज एंड वापस नीचे नाउ स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड भाई वाटर नीचे आ रहा है और वॉम एयर ऊपर जा रही है वाटर नीचे और वार्म एयर ऊपर तो ये सब क्या राय क्या प्रोड्यूस करते हैं ये क्रिएट करते हैं लाइटनिंग और साउंड बहुत सारा साउंड और बहुत सारी लाइटनिंग और इसी फिनोमेना को हम थंडर स्ट्राम कहते हैं अब भाई थंडर स्ट्राम जब आए तो आपको किन चीज़ों के नीचे या पास में नहीं खड़ा होना चाहिए वो एग्ज़ाम्पल है ट्री या फिर विंडो मेटल वाटर एटसेट्रा बस कार भी और बस कार और होम जो है आपका ये सेफ जगह है राइट एटसेट्रा ये वाले वो हैं जहाँ आपको नहीं जाना राइट और ये वो हैं जहाँ आप जा सकते हो बस के अंदर कार के अंदर या फिर अपने होम के अंदर सबसे बेटर होम है ओके अब थंडर स्ट्रोम साइक्लोन कब बनता है थंडर स्ट्रोम साइक्लोन कब बनता है लेट्स बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर कन्वर्ट्स इन टू वेपर ड्यू टू एटमोसफेरिक हीट भाई जो वाटर है एटमॉस्फेरिक हीट के चलते क्लाउड्स के अंदर जो वाटर फॉर्म हो रहा था एटमॉस्फेरिक हीट के चलते वो वेपर बन जाता है और वाटर बिकम्स वेपर एंड वेपर बिकम वाटर किस कंडीशन में हीट इन एटमॉस्फेयर हीट आउट एटमॉस्फेयर राइट एटमॉस्फेयर के अंदर जब हीट होगी तो वाटर वेपर बन जाएगा और वहीं जब एटमॉस्फेयर से सॉरी एटमॉस्फेयर से हीट निकल जाएगी तो वो वेपर वाटर बन जाएगा दिस रिलीज्ड हीट मेक्स आई होप आपको ये अब आप सही से दिख रहा होगा हां दिस रिलीज हीट मेक्स एयर वार्म एंड देन गोज अप कॉज ड्रॉप ऑफ प्रेशर दोबारा पढ़ता हूं दिस रिलीज हीट मेक्स एयर वार्म यही रिलीज हीट हवा को गर्म बनाती है एंड देन गोज अप गर्म हवा ऊपर गई गर्म हवा ऊपर गई और सडन हवा का ऊपर जाना ड्रॉप करता है एयर प्रेशर में ड्रॉप करता है एयर प्रेशर में राइट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी एयर प्रेशर गिरा था राइट मोर एयर टू सेंटर ऑफ द स्ट्रोम ज्यादा से ज्यादा हवा जो होती है वो स्ट्रोम के सेंटर में जाती है राइट right? और अमेरिकन रीजन में इसे हराइकन कहते हैं एंड वहीं फिलीपींस एंड जापान के रीजन में इसे टाइफून भी कहते हैं ओके ये मैंने आपको बता दिया ये भी बता दिया अब बात करते हैं एक्चुअली वॉट साइक्लोन इज चेन इवेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड स्पीड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट मैं आपको दोबारा साइक्लोन का फॉर्मेशन लाइक साइक्लोन बनता कब है दोबारा एक्सप्लेन करता हूं जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठती है गर्म हवा ऊपर उठ रही है ठीक है जैसे ही वो गर्म हमारा ऊपर उठी तो सिस्टम का प्रेशर डाउन गया सिस्टम का प्रेशर डाउन क्यों गया इस सपोज ये एक लेयर है ये यहाँ पे वॉम एयर है एयर गई ऊपर राइट वॉम एयर गई ऊपर की तरफ यहाँ की तरफ तो इस सिस्टम के अंदर तो एयर कम हो गई तो इसका प्रेशर तो कम हो गया ना यहाँ पर कंपेयर में सेम अब दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है मोर एयर रश टू सेंटर ऑफ द स्ट्रोम अब ज़्यादा से ज़्यादा हवा स्ट्रोम के सेंटर में जाना चाहती है स्ट्रोम के सेंटर में आप जब इसकी इमेज देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा उसको देख के मेरा जो जितना भी एक्सप्लनेशन है उसको समझो देन यू विल गेट टू नो लाइक साइक्लोन होता क्या है और इसी तरह की चेन इवेंट्स का फॉर्म है, मतलब चेन इवेंट्स जो होते हैं बार बार यही रिपीटेशन इसी रिपीटेशन के साथ साथ एक फॉर्मेशन होती है सिस्टम की जिसके अंदर बहुत ही बहुत ही लो प्रेशर होता है बहुत ही लो प्रेशर होता है और बहुत ही ज्यादा विंड की स्पीड होती है जो कि उसके अराउंड रिवॉल्व करती है राइट right? अब इसके अंदर है क्या क्या विंड स्पीड मैटर करती है ठीक है डायरेक्शन मैटर करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैटर करती है और ये तीनों चारों के चारों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन इन चारों के बिना साइक्लोन नहीं बन सकता और इन्हीं चारों से साइकलोन बनता है सिंपल क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के अंदर क्योंकि ईयर जब भी ऊपर जाएगी या फिर सिस्टम का प्रेशर तब जब भी नीचे गिरेगा वो किसकी वजह से होगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर so, यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है गाइस ओके okay? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की जो आई होती है बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट उस सेंटर का साइक्लोन की आई कहते हैं स्पीड इसकी टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर होती है डायमीटर टेन टू थर्टी किलोमीटर होता है विंड स्पीड जो होती है वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी किलोमीटर होती है फ्री ऑफ क्लाउड्स विद लॉट ऑफ लाइटनिंग एंड लाइट विंड क्लाउड रीजन नियर दम सॉरी क्लाउड रीजन नियर द आई इज वन फिफ्टी किलोमीटर वाइड विद हैवी रेनफॉल साइक्लोन फॉर्मेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है बस ये समझने के ऊपर डिपेंड करता है आपका दैट्स एट अब साइक्लोन से होने वाले डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड डिस्ट्रक्टिव विन्स कैन पुश वाटर टूवर्ड्स शोर इवन हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम शोर बोलते समुद्र का किनारा ओके okay, ये स्ट्रांग विंड्स जो हैं और डिस्ट्रक्टिव विंड्स जो हैं भाई वाटर को रश करती हैं एटलीस्ट सौ किलोमीटर दूर ले जाती हैं ये हवाएं पानी को समुद्र के किनारे से सौ किलोमीटर दूर ले जाती हैं जो कि सुनामी तक कॉज कर सकता है ओके दिस पुश ऑफ वाटर एंटर्स लो कोस्टलेस एरियाज कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज जब भाई पानी पीछे गया तो वापस भी तो आएगा हेमा राइट अब फ्लड सिचुएशन आ जाती है जैसा है टोल्ड यू अब बात करते हैं हम टॉर्नेडो की कैन फॉर्म विद इन साइक्लोन साइक्लोन के अंदर ही अंदर टोर्नेडो भी बन सकता है अब वायलेंट टोर्नेडो स्पीड थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आर एक टॉर्नेडो की अंदर विंड की स्पीड 300 किलोमीटर पर आर हो सकती है डार्क फनल शेप्ड क्लाउड इसका शेप होता है फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड भाई स्काई से लेके ग्राउंड तक टच करता है ये okay? ओके अब बात करते हैं होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वरेबल टू साइक्लोन पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट अब बात करते हैं इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स साइक्लोन फोकास्ट एंड वार्निंग सर्विस रैपिड कम्युनिकेशन फॉर वार्निंग साइक्लोन शेल्टर्स प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर पीपल भाई बहुत सारी जगहें बनाई जाती हैं और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं साइक्लोन की न्यूज देने के लिए दैट्स इट

स्टे अवे फ्राम इलेक्ट्रिकल और आइटम्स कोऑपरेट विद एवरी वन राइट अब बात करेंगे एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी राइट थैंक्स टू सेटेलाइट एंड रेडॉर्स हम यहाँ पर सेटेलाइट्स और रेडॉर्स को थैंक यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन ही की वजह से हम पहले से पता लगा सकते हैं कि इस रीजन में किस टाइम पर साइकलोन या फिर टॉर्नाडो जैसी कोई चीज़ हो सकती है या आ सकती है साइक्लोन अलर्ट और वॉच इट बिफोर फोर्टी एट आर्स इन एडवांटेज ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्ट्रॉम राइट फोर्टी एट आर पहले ही उसे पॉडकास्ट के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू बता दिया जाता है न्यूज़ के थ्रू बता दिया जाता है साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड ट्वेंटी फोर आवर्स इन एडवांटेज और इसकी वार्निंग भी ट्वेंटी फोर आर पहले ही आपको दे दी जाती है लाइक सपोज ऐसी कोई चीज आने वाली है लेकिन पहले ही 24 फोर आवर पहले यानी एक दिन पहले आपको अगर इसके बारे में कोई कुछ बता दे तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो दैट्स गुड ब्रॉडकास्ट इन एवरी आवर और और हाफ आवर हर आधे घंटे या फिर एक घंटे में इसका ब्रॉडकास्ट होता रहता है नाउ एट द एंड सेवरल नेशनल एंड इेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोपरेट टू मेंटेन साइक्लोन हेट एरियाज that's all about this chapter so thank you so much and uh, i'm so sorry that i'm not able to make video properly there are many reasons behind that so again sorry for that and um, thank you for watching that's all for today thank you bye